नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी दोस्त फूलकुमारी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूं। नमस्कार दीदी, कहानी सुनना तो हमें बड़ा पसंद है। कौन सी कहानी सुनाने वाली हैं आज? आज की कहानी है छत्रपति शिवाजी के गुरु की, जिनका नाम था समर्थ रामदास, जिन्हें हम सब प्यार और सम्मान से श्री समर्थ गुरु या श्री रामदास स्वामी कहते हैं। वे महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत और सूर्य देव के उपासक थे। उनके शिष्यों में भी कई बड़े संत हुए हैं। समर्थ गुरु को उनके शिष्य शिवाजी बड़े प्रिय थे। वे उनका बहुत ध्यान रखते थे। इस कारण उनके बाकी शिष्यों के मन में संदेह हुआ कि गुरुजी शिवाजी को राजा होने के कारण इतना महत्व देते हैं। जब समर्थ गुरु को यह बात ज्ञात हुई तो शिष्यों के मन से यह संशय दूर करना उन्हें आवश्यक लगा। इसके लिए उन्होंने एक युक्ति निकाली। वे उन सब को लेकर यात्रा पर निकले और बीच रास्ते वन मार्ग में एक गुफा में जाकर लेट गए और कहने लगे, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। राजा छत्रपति शिवाजी भी उस समय गुरुदेव के दर्शन करने के लिए निकले थे। आश्रम पर श्री रामदास स्वामी को ना पाकर उन्हें ढूंढते हुए जंगल की ओर चल पड़े। कुछ देर में वे भी उसी गुफा पर पहुंच गए जहां गुरुदेव और अन्य शिष्य उपस्थित थे। गुरुदेव को पीड़ा से व्याकुल देखकर उन्होंने तत्काल चिकित्सक को बुलाने की व्यवस्था करनी चाही, परंतु श्री समर्थ बोले, कहीं मत जाओ, यह रोग चिकित्सा से ठीक होने वाला नहीं है। एक ही चीज से ठीक हो सकता है, पर रहने दो। शिवाजी हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, आप औषधि बताते बताते रुक क्यों गए? बिना संकोच के बताएं, वह कितनी भी मुश्किल से मिले मैं उसे लाऊंगा। आप पीड़ा में हो तो उसका उपचार किए बिना मुझे कोई दूसरी बात नहीं सूझेगी। बाकी शिष्य भी उनकी पीड़ा मिटाने के लिए औषधि लाने के लिए उठ खड़े हुए। श्री समर्थ गुरु धीरे से बोले, इस दर्द को तो शेरनी का ताजा दूध ही दूर कर सकता है, किंतु वह लाना तो बहुत कठिन है। प्राणों को भी संकट हो सकता है, इसलिए रहने दो। औषधि का नाम सुनते ही सभी शिष्यों ने गर्दन झुका ली। भला शेरनी का दूध कैसे लाया जा सकता है? परंतु शिवाजी बोले, मैं प्रयत्न करता हूँ, और तत्काल प्रणाम करके वहां से निकल पड़े। उन्होंने सुन रखा था कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है, यानी किसी और बर्तन में खराब हो जाता है। तो पहले वे बर्तन लेने गए और बर्तन लेकर जंगल में शेर की गुफा ढूंढने लगे। इतना सब करने में शाम हो गई, परंतु आखिर में एक गुफा मिल गई जिसमें शेर के दो बच्चे खेल रहे थे। शिवाजी समझ गए कि बच्चे हैं तो उनकी माँ भी यहाँ जरूर आएगी। वे चुपचाप खड़े होकर शेरनी का इंतजार करने लगे। कुछ घंटों बाद गुफा पर शेरनी आई और उस अंधेरी गहरी गुफा में कूदकर घुस गई। तभी शिवाजी भी कूदकर शेरनी के बच्चों के समीप दौड़कर आए, किंतु मनुष्य की गंध पाकर शेरनी गुस्से से गुर्राने लगी। तब शिवाजी हाथ जोड़कर बोले, माता, मुझे गुरुदेव के लिए तुम्हारा थोड़ा दूध चाहिए। मैं तुम्हें या तुम्हारे बच्चों को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। वैसे तो जंगली शेर नरभक्षी नहीं होते, मनुष्य पर चोट नहीं करते, परंतु कोई मनुष्य अगर उनके बच्चों के पास आ जाए तो शेरनी बहुत भयंकर हो जाती है, तुरंत चोट करती है। लेकिन मनुष्य के भाव अगर सच्चे और सहानुभूतिपूर्ण हों तो उसका प्रभाव पशुओं पर भी पड़ता है। शेरनी ने गुर्राना बंद कर दिया। तब शिवाजी उसके समीप बैठकर उसे सहलाने लगे। उसने शिवाजी को सूंघा और प्यार से चाटने लगी। शिवाजी ने अवसर पाकर शेरनी का दूध दूकर पात्र में भर लिया। फिर शेरनी को प्रणाम करके जाने को तैयार हुए। उन्हें गुफा में ऊपर चढ़कर निकलने में थोड़ी कठिनाई हुई, क्योंकि एक हाथ में दूध का पात्र भी था, किंतु किसी प्रकार ऊपर आ ही गए।
तभी शिवाजी को गुरुजी की वाणी सुनाई दी। शिवबा, तुम शेरनी का दूध ले आए। श्री समर्थ गुरु उनके शिष्यों के साथ गुफा के पास पहुंच गए थे। शिवाजी ने उनके चरण स्पर्श किए और दूध का पात्र आगे कर दिया। चरणों में झुके छत्रपति को गुरुजी ने दोनों हाथों से उठा लिया और गले लगाया। यह देख अन्य शिष्यों का संशय भी दूर हुआ। अब वे जानते थे कि शिवाजी को गुरुजी का इतना प्रेम क्यों मिलता है। सचमुच शिवाजी ने अपने जान की परवाह न करते हुए शेरनी की मान में जाकर उसका दूध दुआ, ये तो कमाल की वीरता है। हाँ, वीरता ही नहीं, साथ ही यह उनकी गुरु द्वारा दी गई शिक्षा की परीक्षा भी थी, जहाँ उन्हें खुद पर विश्वास था कि उनके विनम्र व्यवहार से शेरनी उन्हें दूध दे देगी। अब सभी शिष्य भी जान गए थे कि बात राज परिवार से होने की नहीं, बल्कि शिवाजी सचमुच गुरुजी के श्रेष्ठ शिष्य हैं। बस इतनी ही थी आज की कहानी, कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी। अब तक हमने सिर्फ लड़कर जीतने वाली वीरता के किस्से ही सुने हैं। शिवाजी का प्रेम से शेरनी से जीतना बड़ा अनोखा है। प्रेम से तो मुश्किल से मुश्किल के लिए भी जीते जा सकते हैं। इसी संदेश के साथ मैं फूलकुमारी लेती हूँ विदा। अगले ऑडियो में फिर मिलेंगे। जय शिवाजी महाराज की। जय शिवाजी महाराज की।